तो मैं अपने प्रिंसिपल सर का और इंडियन आर्मी का बहुत ज़रा शुक्रगुजार हूँ जिनने हमें मौका दिया कि अपना टैलेंट दिखाने में। हाँ, मैंने एक जेसीबी बनाई है जो कि हाइड्रोलिक है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी पे वर्क करती है। ये बहुत ज़्यादा चीफ है। मैंने इसके होममेड थिंग्स इस्तेमाल की है। इंडियन आर्मी और अपने प्रिंसिपल का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमें अपना टैलेंट दिखाने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने ये इको फ्रेंडली कॉम्पैक्ट हाउस बनाया है जो यहाँ हमारा कश्मीर, स्पेशली कश्मीर, इसमें जो ये नए कानून लागू हुए हैं, ये सरकार अपनी सरकारी ज़मीन वापस ले रहे हैं। यहाँ का कल्चर क्या था कि बहुत सारे ज़मीन पर हम अपना हाउस बनाते थे। मेरा मानना है कि कम लैंड पर बहुत बड़ा हाउस बनाए जिसमें 10-15 कमरे हो, ये फैलाकर मकान ना बनाए, जो वही मैंने बनाया है एंड जिसके सराउंडिंग हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक एनिमल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इवेंट यहाँ पे हुआ लोन हराई में, ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि जो हमारी इंडियन आर्मी जो है इस तरीके के इवेंट करवा रही है, हमारे बच्चों के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट हैं वो बाहर ला रही है और बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से और बिल्कुल खुलकर सामने आकर जो है अपने जो अंदर की बात कला थी वो सामने दिखाई और किस तरीके के इवेंट से जो आप सामने